सो मैंने माइक ऑन कर लिया है और अब मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं अब क्या बोलने वाला हूँ। वैसे तो मैं किसी और एनिमे के ऊपर ज़्यादा जल्दी बात नहीं करता, बट देयर इज़ समथिंग डैट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट। आई गेस मेरी ऑडियंस में से ज़्यादातर लोगों ने अटैक ऑन टाइटन देख रखा होगा और उन्हें यह मालूम होगा कि मांगा में अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग हो चुकी है, जिसके बाद फैंडम दो ग्रुप में डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट, जिन्हें एंडिंग पसंद आई, और सेकेंड, जिन्हें एंडिंग पसंद नहीं आई। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड वन। अब यहाँ पर तीन टाइप के लोग आते हैं। फर्स्ट, जिन्हें कुछ परवाह ही नहीं है, मतलब वो बस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ एंडिंग ख़राब थी और उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, एटलीस्ट दे आर नॉट टॉक्सिक। दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं बट इन अ गुड मैनर एंड विथ वैलिड पॉइंट्स। अगर ये चीज़ खराब है तो क्यों खराब है और ये चीज़ कैसे बेहतर हो सकती थी, एंड टू बी ऑनेस्ट ऐसा ही होना चाहिए। इससे कम से कम तुम अपनी बात रख सकते हो बिना किसी को हेट दिए। एंड अगर देखा जाए तो अटैक ऑन टाइटन का फैन बेस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, तो यह चीज़ होना काफ़ी कॉमन था। बट हियर कम्स द थर्ड वन, हेटर्स। अच्छा चलो, सबके हेटर्स होते हैं और किसी को गाली देना चलता है, पर यार तुम किसी को इतनी बुरी तरह तो बेइज्जत मत करो। आई मीन हाउ कैन यू बी सो लो कि तुम एक पेटिशन तक बनाओगे यह दिखाने के लिए कि इसायामा एंडिंग चेंज कर। जरा सोचो यह सब देखकर उन्हें कैसा लग रहा होगा। एक टाइम था जब पेटिशन का यूज सिर्फ सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए और अपनी दबी हुई बातों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए यूज़ की जाती थी। अब तो भैया कुछ भी हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट ऑथर हिमसेल्फ। अब मुझे नहीं पता कि यह बात कितनी सच है, पर कुछ लोग कह रहे थे कि एओटी की एंडिंग असल में किसी और ने लिखी है और इसायामा सर को खुद नहीं पता है कि एओटी को एंड कैसे करना था। पर अगर वो एंडिंग चेंज कर रहे हैं अपनी मर्जी से तो वो काफ़ी अच्छी बात है। यू नो, एक आर्टिस्ट अपने सीरीज़ को एंड कर रहा है पर उसकी एंडिंग उसे खुद को ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो वो ज़िंदगी भर तक यही सोचता रहेगा कि यार एंडिंग चेंज कर लेनी चाहिए थी, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट अगर वो अपनी एंडिंग चेंज कर रहे हैं सिर्फ फैंस के कहने पर, तब तो यार ये काफ़ी गलत हुआ ना। एटलीस्ट हम उनकी एंडिंग को तो कम से कम रिस्पेक्ट कर ही सकते हैं। आखिर उन्होंने हमें अटैक ऑन टाइटन जैसी सीरीज देखकर हमें कम से कम एंटरटेन रखा था। खैर, अब सब चीज़ इस बोनस चैप्टर पे डिपेंड करता है, जिसके कुछ लीक्स भी आ चुके हैं जिसके बारे में हम लोग कभी बात नहीं करेंगे। एनीवेज चलो एनिमे के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एट द एंड वही फाइनल प्रोडक्ट रहने वाला है। तो यार सबसे पहले तो जिन लोगों को लग रहा है कि एनिमे में बिल्कुल डिफरेंट एंडिंग होगी, तो यार यह चीज़ होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एज़ यू नो छोटे मोटे चेंजेस चलते हैं, बट यहाँ पे यह चीज़ अचानक हो रही है। एंड आई एम प्रिटी श्योर बीच में ही इतना बड़ा चेंज लाना इज़ नॉट अ ईजी थिंग, पर हाँ ये चीज़ इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड रहेगी तो हो सकता है कि चेंज हो जाए। हाँ, हमें मांगा और एनिमे में बिल्कुल डिफरेंट एंडिंग देखने को मिल सकती है। एनीवे, मेरे ख्याल से हमें उसी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जो कि ऑथर खुद दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, वन पीस का थीम बेस्ड है ड्रीम्स पे, और उसी तरह अटैक ऑन टाइटन का थीम बेस्ड है वार पे। तुम्हें लड़ना होगा और अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम जीत नहीं सकते, तो लड़ो। यह लाइन तुमने सीरीज में काफ़ी बार सुनी होगी, पर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है जो कि ऑथर हमें बताना चाहते थे? वेल, अगर देखा जाए तो इसका यही मीनिंग है कि तुम्हारे लाइफ में काफ़ी सारी मुश्किलें आती हैं पर तुम इनका सामना नहीं करते हो और इनको टाल देते हो, लेकिन अगर तुम जब तक इनसे नहीं लड़ोगे तो तुम जीत नहीं सकते, तो इसीलिए लड़ो। वैसे तो एओटी में काफ़ी सारे थीम है पर मेन थीम यही है, और एट द एंड ऑफ द मांगा हमें इस थीम का रिजल्ट भी देखने को मिलता है। अब क्योंकि यह एक वार था तो हमें ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो खोना ही था। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, तुम्हें मेरी वॉइस बहुत अजीब सी लग रही हो क्योंकि मुझे ज़ुकाम है, और दूसरा मुझे नहीं पता कि मैंने इस वीडियो में क्या बग डाला है, पर हाँ मेरे दिमाग में जो भी था, मेरे मन में जो भी था, मैंने सब बोल दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।